ओह ब्रोकन ग्लास, आई हैव डन इट बिफोर, डोंट डू इट किड्स, डोंट डू इट। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। और आज हम फिर से खेल रहे हैं वुड यू रादर क्वेश्चंस, इधर में ether.io में। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, वुड यू रादर ईट मल्टी टोस्ट। अबे यार पहला ही कहते भैया क्वालिटी था निकला, हट मजा नहीं आई। मतलब कतई अपन सड़ा सड़ा मतलब बहुत ही ज्यादा पुराना वाला टोस्ट खाएंगे, सिर्फ एक स्लाइस, या फिर मोल्डी मतलब बहुत पुराने वाले काइंड ऑफ सड़े ही बोल सकते हो तुम, क्योंकि ग्रेप जल्दी ही सड़ जाते हैं। सड़े हुए अंगूर या फिर सड़ा हुआ टोस्ट, एक टोस्ट। अगर देखो मुझे यहाँ पे अगर हम ग्रेप्स की बात करें तो उनमें से बास आएगी बहुत बेकार, और अगर टोस्ट की बात करें तो एटलीस्ट टोस्ट जो होता है वो ड्राई होता है तो उसमें से बास नहीं आएगी। यस भाई अपन लौंडे दिमाग लगा रहे हैं आजकल, पहले नहीं लगाता था मैं। अरे भाई यार क्या करूँ, अब चूतिया हूँ तो हूँ। वुड यू रादर कट योर हैंड विथ अ ब्रोकन ग्लास लिक रस्टी नेल। ओ मतलब ओ ब्रोकन ग्लास, आई हैव डन इट बिफोर, डोंट डू इट किड्स, डोंट डू इट। लिक रस्टी नेल, अगर कोई खिल्ला है वो जो जिसे रस्ट मतलब जंग लगा है, अगर हम उसे उसमें चाटने में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर टूटे हुए ग्लास मतलब ग्लास बेसिकली तुम क्या बोलोगे उसे, ग्लास को ग्लास ही बोलोगे मतलब कांच, कांच से टूटे हुए कांच से तुम अपना हाथ काटो, डोंट डू इट, आई हैव डन इट पास्ट, डन इट जान दो, आई हैव डन इट बिफोर। लिख रस्टी नेल, भाई रस्टी नेल को मैं चाट लूंगा कतई ऐसे जैसे उसको मैं चाटता हूँ डेली। वुड यू रादर बी मैरिड टू जस्टिन बीबर और हैरी स्टाइल्स जस्टिन बीबर। हैरी स्टाइल पता नहीं था इसीलिए जस्टिन बीबर को चुना बे। वुड यू रादर ऑलवेज ड्राइव अंडर द स्पीडिंग लिमिट, अंडर द स्पीडिंग लिमिट, ओवर द स्पीडिंग लिमिट, और अपने दुनिया अपने इंडिया के आधे में से ज़्यादा लौंडों का यह सपना है जो मैं 120 के ऊपर गया हूँ एक बार दोस्त की बाइक में। अरे क्या फ़र्क पड़ता है, उसकी बाइक थी ठुकता गाड़ी पे लेकिन जान मेरी जाती। वुड यू रादर बीट अप अ 7 ईयर ओल्ड, 7 ईयर के बच्चे को मार दो 70। ओ भाई साहब मेरे फैमिली में कुछ ऐसे बंदे हैं जो कतई मेरा दिमाग खराब कर देते हैं पूरा का पूरा। बट फिर से अगर हम बात, ओ भाई साहब सॉरी मेरे गलती से माइक्रोफोन हिल गया पूरा का पूरा। और अगर 7, भाई साहब देखो 7 साल के बच्चे बहुत ज़्यादा रोते, दिमाग खराब कर देते पूरा पूरा का पूरा दिमाग खराब कर देते। और अगर जैसे कि मैं 20 का हूँ, मैं अगर 7 वाले को मारूंगा तो लोग सोचेंगे कि उसकी गलती थी मेरी नहीं। और अगर मैं 77 वाले ईयर वाले को मारूंगा मतलब 77 साल वाले को, तो वो बोलेंगे कि आई एम इन एटीट्यूड, और मुझे जैसे कि पता है एटीट्यूड दिखाना पसंद है, तो मैं बूढ़े को सुतेगा। मतलब ये 7 साल वाला भी सेफ नहीं है, मैं इसको भी मारेगा, इसको भी मारेगा, इसको भी मारेगा। वुड यू रादर बी ए स्टूडेंट द रेस्ट ऑफ योर लाइफ बी द टीचर। भाई साहब टीचर लौंडे को कूटेंगे भाई अपन, और ऊपर से एज ए टीचर का पैसा भी मिलेगा। बिफोर यू गो टू द बेड वुड यू रादर टेक 3 शॉट्स ऑफ डीप टबैको स्पिट। अबे यार तुम्हें कैसे पता चला बे, मैंने टेस्ट किया है लाइफ में बहुत बार। वुड यू रादर गेट हाई गेट ड्रंक, गेट हाई, गेट हाई मतलब ड्रग से होऊंगा मैं हाई ऐसा, और गेट ड्रंक दारू मिलेगी क्या रे बाबा, बाबा दारू मिलेगी क्या रे बाबा। आंसर पता चल ही गया होगा तुम्हें। वुड यू रादर ईट बटर फिंगर स्निकर। बटर फिंगर ये क्या मतलब, कोई चॉकलेट है क्या, क्योंकि स्निकर से चॉकलेट है, मतलब स्निकर पसंद करूंगा यार मैं। अच्छा बटर फिंगर मतलब बटर में डुबाया हुआ फिंगर है क्या वो, मुझे लिटरली नहीं पता। अब नहीं पता तो वुड यू रादर बी मैरिड टू समवन हु इज अ नो इट ऑल
very arrogant, a know-it-all. Would you rather be knocked out by Mike Tyson, be knocked out by Muhammad Ali? जहाँ तक माइक टायसन की बात है भाई, पानी पिला देगा, मतलब लिटरली पानी पिला देगा भाई, आधे मरे चुके हो गया तुम। और अगर मोहम्मद अली की बात है तो भाई साहब तुम्हारा बचने का कोई भी चांस नहीं है, कोई भी चांस नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। तो आई विल गो विथ माइक टायसन। इफ यू वर फोर्स्ड टू लिव इन वन ऑफ द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, वुड यू रादर लिव इन साउथ अफ्रीका, केन्या? साउथ अफ्रीका में देखो, साउथ अफ्रीका की अगर बात करो तो वो सबसे पहले बहुत बड़ा है, बहुत एरिया है साउथ अफ्रीका के पास। और दूसरी बात अगर साउथ अफ्रीका की देखो तो ब्यूटी बहुत भयंकर है वहाँ की। मैं एज अ फोटोग्राफर वहाँ पे पूरी जिंदगी नहीं बट ऑलमोस्ट ईयर आर टू स्पेंड कर सकता हूँ। वुड यू रादर, अब क्वेश्चन है वो सिर्फ, वुड यू रादर ईट लेस पोटैटो चिप्स प्रिंगल? मैंने प्रिंगल्स भी खाई है, मैंने लेस का पोटैटो चिप्स, हाँ वही जो 10 रुपये में फ्री में 4-5 चिप्स भी देते हैं, क्या तुम्हें पता नहीं है? अबे लेज ऑक्सीजन कंपनी है, वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है पैकेट में, और चिप्स तो फ्री में देती है बे। चिप्स खाना पसंद करूँगा। वुड यू रादर बी ऑन गट्स बी ऑन लेजेंड ऑफ द हिडन टेम्पल, बी ऑन द लेजेंड्स, बी ऑन द गट्स? ये गट्स क्या है? मतलब टेम्पल में जाना पसंद करेंगे अपन। वुड यू रादर वेयर द सेम थिंग एवरी डे, that's all I'm doing from last 7 months, never wear the same clothes twice, मतलब मुझे उन्हें खरीदना पड़ेगा, और being a लौंडा मुझे कपड़े खरीदना पसंद नहीं है। I like to invest in a wrist watches and shoes, और भाई तुम्हें झूठ लगेगा लेकिन मेरे पास 8 wrist watch है, 8 of them अलग अलग, और मैं पहन लेगा रे इसे। एक तो देखो इससे, ये वाले से एक तो सेविंग होगी, और भाई साहब ऊपर से अपने को देखता भी कौन है। वुड यू रादर डेट समवन हु ऑलवेज लुक्ड वेल? अरे भाई साहब ये भी कोई क्वेश्चन पूछने की बात थी भाई साहब। अगर कोई क्यूट सी लड़की सिर्फ 12 साल की दिख रही है बट है नहीं वो 12 साल की, भाई साहब आई विल ऑलवेज गो विद दिस वन। बट डेट समवन हु ऑलवेज लुक लाइक 80, सब कौन? वो आंटी नहीं, वो दादी कहलाएगी। वुड यू रादर बी कवर्ड इन अ फेदर्स बी कवर्ड इन अ फेदर्स वाय बी कवर्ड इन अ फर फेदर्स और फर? ओ भाई साहब कवर्ड इन अ फर, फेदर्स बोलेंगे वे, फेदर्स बोलेंगे। अब फर मैं चूतिया हूँ इसलिए। वुड यू रादर Sport a keychain nipple ring? Eh? Sport a keychain nipple ring. Have the wardrobe that is made up of outfit worn by Scooby-Doo character. Obviously, I'm a big fan of a Scooby-Doo. Would you rather always speak all your thoughts out loud? कते चीख चीख के दुनिये को बता दो कि तुम क्या सोच रहे हो? और दूसरा, never speak at all. Not even a sign language. भाई साहब दुनिया को अपन चीख चीख के बता देंगे कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, फिर मैं एक दिन मेरे क्रश के सामने जाऊंगा और मेरी क्रश मेरे सामने आते ही मेरा रिएक्शन, भाई देख रही है यार। अबे यार तुम्हें सच बताओ तो मेरी क्रश के मेरे सामने आती है, मेरी बोलती बंद हो जाती है। और एक और बात, मेरी क्रश मेरे से लिटरली रात के 12 या फिर उसके बाद तक भी बात करती रहती है, लिटरली मेरे से ठीक है यार। तो आज के लिए बस इतना ही होगा यार, इसके आगे नहीं कर सकता मैं, तुम समझ सकते हो। तो बस सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक कर देना इस वीडियो को। चलो बाय।